तो सबको दिख रहा है? यस मैम। ठीक है, बायो मॉलिक्यूल्स को आपने एनसीईआरटी से पढ़ना है। अगर किसी बच्चे को लगता है कि भाई मैं 90+ स्कोर करूं, तो वो तभी पॉसिबल है जब आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन रीड करेंगे। अब कुछ बच्चे हैं वो अभी, मैं आपको इसीलिए बताऊंगी, मैं जब ऑर्गेनिक भी कराऊंगी ना, मैं बुक भी दिखाऊंगी आपको। कुछ बच्चे कहते हैं हमें तो समझ ही नहीं आया बुक में क्या लिखा हुआ है, हम तो भाई प्रदीप से पढ़ रहे हैं, हम दिनेश से पढ़ रहे हैं या हम किसी और बुक से पढ़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊंगी एनसीईआरटी से, आप जो है उसमें कई चीजें फालतू दे रखी हैं, तो आप फालतू के चक्कर में क्या करते हैं, जो इधर इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मिस कर देते हैं। और करना हमें एनसीईआरटी के हिसाब से, क्योंकि हमें क्या चाहिए, फोटोग्राफिक मेमोरी चाहिए। कि पहले ऑर्गेनिक में क्या होता है कि पहले क्या दिया हुआ है, आपको सीरीज में पता होना चाहिए कि भाई पहले क्या दिया हुआ है, बाद में जो है वो क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये कार्बोहाइड्रेट है, ज्यादा कुछ कटा नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये आएगा, ये जो कार्बोहाइड्रेट का पहला पोर्शन है, इसमें क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन आज हम करेंगे, ये मोनोसेक्राइड्स के बारे में बात की गई है, अभी इसको हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। फिर ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे कि ग्लूकोज को कैसे प्रिपेयर। स्क्रीन फ्रीज है, रुको एक मिनट, दोबारा शेयर करते हैं। यस मैम। तो ये मैं ये कह रही हूँ, क्या नहीं आई, अभी आ जाएगी तुम्हारे यहाँ। हाइड्रेट पढ़ लीजिएगा अच्छे से, इसके जो है एक एक चीज पढ़िए कि क्या लिखा हुआ है। पढ़ना ना बेटा सिर्फ एक ही बार पढ़ता है, जो जब आप, मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो साथ साथ में आप एनसीईआरटी को भी रीड कर लेंगे। मान लो बाई चांस आपको ऐसा लगता है कि मेरे नोट्स में कोई पॉइंट स्किप हो गया, तो वो आप उसी टाइम आपको पता लग जाएगा, आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए। कोई मान लो कंसेप्ट ऐसा है, मान आप ये, कोई बच्चा कह रहा है नहीं मैम मैम भूल जाऊंगा, तो आप पेंसिल लीजिए। ये देखिए यहाँ काफी सारी, अगर आप देखें ये खाली जगह बची होती है, तो आप पेंसिल लें, पेन कभी ना लें, क्योंकि पेंसिल से हम चेंज भी कर सकते हैं और पेंसिल से समझ में आता है और पेंसिल से हमें पता होता है ये करना है। पेन से तो क्या होता है, हॉचपॉच हो जाता है सारा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट आएगा, क्लासिफिकेशन आएगी, ये मोनोसेक्राइड्स आएंगे, मैंने जो अभी नोट्स बनाए हैं उसमें तो सारे पॉइंट कवर्ड ही हैं। ग्लूकोज की प्रिपरेशन आएगी और इसका स्ट्रक्चर कैसे पता लगा। स्ट्रक्चर ये अभी भी अधूरा, इन्होंने पहला स्टेप बताया, जब आप बीएससी थर्ड ईयर में जाएंगे तो ऑर्गेनिक में फिर स्ट्रक्चर आइसोलेट कैसे करते हैं, हमें कैसे पता है कार्बन कार्बन के साथ सीधी चेन में जुड़ा है या कितने OH हैं, तो वो सारी चीजें हैं तो आपको समझ में आ जाएंगी। फिर आता है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज, ये भी आएगा, ये मैं आपको बताऊंगी। फ्रक्टोज भी आएगा। अब आते हैं डाइसेक्राइड, ये जो डाइसेक्राइड है ये कट गया, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, जो अभी मैंने पीछे आपको बताया ना मोनोसेक्राइड ओलिगोसेक्राइड, उसमें डाइसेक्राइड का क्या होता है हाइड्रोलिसिस पे रिजल्ट होता है, तो वो करना पड़ेगा, वो मैंने कवर किया हुआ है। वैसे इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है ये कट चुके हैं, पर इनको मैं यूज करूंगी कुछ चीजें समझाने के लिए। उसके बाद आते हैं ये पॉलीसेक्राइड, ये भी आपका कट गया है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये आप डिलीटेड जो पोर्शन देखेंगे उसमें ये कटा हुआ है, बाकी आप पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। फिर ये प्रोटीन है आपके कोर्स में, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, यही थोड़ा सा लेंथी टॉपिक लगता है हमें, लेकिन है बहुत ही आसान अगर आप उसको लॉजिकली करें। अगर आप उसको ये कहें, आप देखो एनसीईआरटी की बुक में आपको पता है पहले कार्बोहाइड्रेट दे रखा है, तो एक तरह से आपके सामने ना थोड़ी सी क्लियर पिक्चर होती है, तो आपको ध्यान आ जाता है अच्छा ये पॉइंट दिया हुआ था। अब आपको कैसे पता कहाँ से रीजनिंग दे रखी है, इसीलिए मैंने बोला है कि आप एनसीईआरटी से ऑर्गेनिक करें, जो मैं नोट्स दूंगी उसको देखें, मैं नोट्स भी उसी हिसाब से बनाऊंगी, और आप कहेंगे ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये कहाँ पे एनसीईआरटी में मेंशन है, तो मैं आपको दिखा भी दूंगी, ये देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन जो है ये स्टेटमेंट दे रखी है जिसके हिसाब से क्वेश्चन दिया हुआ है। सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आते हैं, बीच में से कहीं से भी स्टेटमेंट आ जाती है, उसी को मॉडिफाई किया होता है। तो ये स्ट्रक्चर हमें इतने करने नहीं है, ये आपको बता देंगे। क्लासिफिकेशन आएगा, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इससे रिलेटेड एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा आसान है, लेकिन बच्चे वो कर नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उस हिसाब से पढ़ते नहीं है। तो वो जो है ना, अभी जो मैंने आपको शेयर किया था वो क्या कहते हैं सैंपल पेपर, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है वो, अगर आप देखें ना तो उसमें तो कुछ रटना भी नहीं पड़ना था, उन्होंने इवन स्ट्रक्चर भी दे रखे थे, हमें सिर्फ दो उनको जोड़ना है अमीनो एसिड को, तो इसलिए वो मैं आपको वो डिस्कस करूंगी इसी चैप्टर में, वो जो सैंपल पेपर का क्वेश्चन है।
तो बेटा ये डीनेचुरेशन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो एंजाइम्स है, पहले भी इसमें से कुछ नहीं आता था, इसमें से पहले भी कुछ नहीं आता था, अब भी कुछ नहीं आएगा, मतलब कट गया है ये पोर्शन, तो इसलिए ये पहले भी इंपॉर्टेंट नहीं था इतना। अब बारी आती है विटामिन की। विटामिन जो इन्होंने काटा है, ये पूरा विटामिन इन्होंने डिलीट कर दिया इस बार, लेकिन ये जो विटामिन है वैसे ही जो है, बड़ा सिंपल सा टॉपिक था, मतलब मान लो 15 मिनट में मैं खत्म करा देती, इतना सिंपल सा टॉपिक था, तो मतलब इतना कोई फर्क पड़ा नहीं। ये न्यूक्लिक एसिड बेटा पूरा आएगा, ये जितना भी न्यूक्लिक एसिड है, आपको ये जितना भयानक सा लग रहे हो स्ट्रक्चर, तो इतने है नहीं है, लॉजिकली आप याद करेंगे, और हम तरीके से याद करेंगे कि पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स करेंगे, जैसे एनसीईआरटी में ऑर्डर दिया हुआ है ना वही करेंगे। आप प्लीज जिनके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है, यहाँ से डाउनलोड कर लें, अगर डाउनलोड करना होता है डायरेक्ट नहीं पता लगता, ऐसे लिख दो LECH, क्योंकि ये एनसीईआरटी का लीच लिखकर, अगर पहली बुक है मान लो, सेकंड बुक है तो 205 चैप्टर है ये पांचवा, अगर ये पहली बुक का मतलब आपको सरफेस चाहिए तो 105 होगा, तो जब ये टाइप करेंगे आप तो वो सीधा एनसीईआरटी की बुक खुल जाएगी, मतलब वो आ जाएगा गूगल पे और उसको फिर आप क्लिक करके खोल सकते हैं। तो बेटा ये जो है ना, ये वैसे भी कटा कुछ है नहीं, मतलब जो विटामिन कटा है वो तो वैसे ही सिंपल सा था, वो तो आप अभी भी रीड कर लेंगे तो आपको आ जाएगा, तो हम इसको अभी करेंगे, ठीक है। अब मैं जो पांच चैप्टर है, ये जो सेकंड बुक है, पूरी की पूरी 28 या 29 मार्क्स की है, उस दिन मैंने आपको जो अभी मैं रिवाइज सिलेबस में वहां लिखा हुआ है, 29 मार्क्स की है, और ऑर्गेनिक के, जब हम ऑर्गेनिक करते हैं, देखो आपको मैंने बताया कि आपके पेपर हो सकते हैं दिसंबर में, फिजिकली मतलब स्कूल में आके, तो प्री बोर्ड, तो आपके पास टाइम नहीं है इतना, और आपके पास जो टाइम है वो ये अक्टूबर का महीना है और नवंबर का महीना है, तो ऑर्गेनिक को साथ साथ में जितना कराया जाता है, आप अभी ये मत सोचिए कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, आप ये सोचिए कि अच्छा मुझे ये ऑर्डर वाइज याद करना है, एक तरह से थोड़ा सा रट लेना है, क्योंकि ऑर्गेनिक जो है ना, चाहे कोई कितना भी समझा दे, आपको उसको याद करना पड़ेगा फॉर्मूले, क्योंकि ऑर्गेनिक में वो स्टैंडर्ड रिएक्शंस होते हैं, तो आपको साथ साथ में करना पड़ेगा, जो कमी रह जाती है वो आप अपनी दिसंबर में बाद में पूरी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप, और उसके बाद मान लो रिविजन होती है तो आपको वो ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगी, लेकिन अगर मान लो आप अभी साथ साथ में नहीं पढ़ते हैं तो वो जो रिवीजन है ना वो निल होगी, वो आपके किसी काम की नहीं होगी, आप साथ साथ में पढ़ लीजिए, फिर उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑर्गेनिक बहुत ही आसान है, और जिन बच्चों को अभी कहीं से जाकर वो कन्वर्जन से बहुत डर लगने लग गया कि अरे कन्वर्जन मुझसे तो आती नहीं, वो लड़का कर लेता है, पहली बात बेटा कन्वर्जन से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 मार्क्स की आती है, वो भी पहले आती थी, इस साल कितनी आएंगी वो हमें नहीं पता है, और ऑर्गेनिक के बेस्ड जो है, मुझे लगता है कि पहला क्वेश्चन जैसे बेटा हम स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में ध्यान से सुनिएगा, और जो आज करा रही हूं ना उसको पढ़ना है, कुछ बच्चे जो है वो सोचते हैं कि मैडम तो ऐसे ही बोल रही है, तो हमें जो है, मुझे इतने साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, कम से कम 11 साल हो गए इसी स्कूल में, तो वो हम पढ़ा रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि बच्चों के कितने मार्क्स आ रहे हैं, वो स्कूल के टीचर तो समझते हैं इनको कुछ नहीं आता, ठीक है मैं मान लू, चलो तुम कह रहे हो नहीं आता, चलो ठीक है, वो भी अज्यूम कर लिया। अब तुम जहाँ ट्यूशन पढ़ रहे हो, जिसपे तुम पूरे डिपेंडेंट हो, जहाँ तुम पैसे खर्च कर रहे हो, तो वो भी तो सही पढ़ा रहा होगा, फिर भी तुम्हारे मार्क्स जो है 60 से नीचे क्यों आ रहे हैं? वो इसीलिए क्योंकि आप अपना जो ड्यूटी है वो भूल रहे हैं। आप ये कार्बोहाइड्रेट्स, इसका मतलब हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, तो पहले ये देखिए, पहले जो डेफिनेशन थी, जो इसका नाम है, वैसे भी वो मिसनॉमर है, गलत दिया हुआ है, लेकिन हम वहीं से यूज करते आ रहे हैं तो वही नाम यूज कर रहे हैं। जैसे विटामिन, वीटा अमीन, मतलब ऐसे अमीन्स जो वीटा मतलब इंपॉर्टेंट होते हो, लेकिन वो गलत थी, कुछ ऐसे विटामिन भी थे जिसमें अमीनो ग्रुप आता ही नहीं था, फिर उन्होंने क्या किया, वीटा अमीन का पीछे का ई हटा दिया, विटामिन कर दिया उसे, लेकिन ऐसे ये इसका नाम भी गलत है, लेकिन अब हम यही चलते आ रहा है हमारा नाम, लेकिन ये कह रहे हैं कि प्रीवियस डेफिनेशन ये थी कि दे आर हाइड्रेट ऑफ कार्बन, तो मतलब इनका जर्नल फॉर्मूला बनता है CXH2O Y, तो अब लेकिन ये डेफिनेशन जो है ये पूरी तरह से सही नहीं है। क्यों? ये कह रहे हैं आप ग्लूकोज की बात कीजिए,
ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, सॉरी बट एक मिनट, ग्लूकोज जो है, एक मिनट, ग्लूकोज जो है बेटा वो एक कार्बोहाइड्रेट है, फिर से एक मिनट, हाँ ग्लूकोज की आप बात कीजिए ये कह रहे हैं, एक मिनट सॉरी फिर से वो गलत हो गया, अब ठीक है, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये इसका फॉर्मूला तो फिट करता है, आप देखिए C6H2O, इस अगर मैं हाइड्रेट की टर्म में लिखूं, मतलब ग्लूकोज को मैं कह सकती हूँ दिस इज हाइड्रेट ऑफ कार्बन। अब ये कह रहे हैं आप एसिटिक एसिड की बात कीजिए, जिसे हम क्या कहते हैं इथेनोइक एसिड बोलते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। अब इसका फॉर्मूला देखिए, अगर आप इसको इस टर्म्स में लिखें तो ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन इसका फॉर्मूला इस जो है जर्नल फॉर्मूला में फिट होता है C2H2O2। तो इसका मतलब कुछ ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं, लेकिन उनका जर्नल फॉर्मूला हाइड्रेट ऑफ कार्बन के बराबर होता है। अब एक और कंपाउंड देखिए, रेमनोस। रेमनोस जो है ये एनसीईआरटी में मेंशन है, आप ये कहेंगे पता नहीं कहां से दे दिया, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पहले पेज पे ही, ये फॉर्मूला दिया हुआ है इसका, और ये कह रहे हैं ये एक कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, लेकिन अगर आप इसका कहां रेमनोस में H12 लिख रखा बुक में, देख लेंगे, चलो जो भी है आप ठीक कर लीजिएगा, रेमनोस जो है इसका जो फॉर्मूला है, अगर आप मान लो H12 भी होता तब भी ये फिट नहीं होता इसमें, तो ये इस फॉर्मूला में फिट नहीं होता, इसका मतलब हम, और ये कार्बोहाइड्रेट है, इट मींस हम कार्बोहाइड्रेट को जर्नली ये नहीं कह सकते हैं कि ये क्या है, दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो जो न्यू डेफिनेशन आई है वो ये आई है, ये करेक्ट डेफिनेशन है, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जिनकी मिरर इमेज जो बनती है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल बनती है, मतलब वो खुद और उनकी जो मिरर इमेज है वो अलग अलग कंपाउंड है, ठीक है, क्योंकि वो नॉन सुपर इम्पोजिबल है, उनका बिल्कुल भी आपस में लेना देना नहीं, तो दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, पहली बात ऑप्टिकली एक्टिव होनी चाहिए। दूसरी बात पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली का मतलब बहुत सारे, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप होने चाहिए, ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें दे आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी OH ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, उनमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है या कीटोन, कीटोन होता है यही सेम, यहाँ पे दोनों जगह कार्बन की चेन होती है, ये जो होता है कोने में प्रेजेंट होता है एल्डिहाइड, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, हाँ, और द कंपाउंड्स या वो कंपाउंड जो ये वाली जो यूनिट है हाइड्रोलिसिस के बाद देते हो, मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हो आफ्टर रिएक्शन विद वाटर, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। और एक चीज और ध्यान रखनी है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को ही कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, कार्बोनिल, कार्बोक्सिल नहीं, कार्बोनिल, ये एन है बीच में, तो दोनों को ही कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, तो ये इसकी डेफिनेशन थी। अब जैसे जैसे हम आगे करेंगे ना आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी, जब हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और जब हम फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, क्योंकि वही है कोर्स में। अब आता है कार्बोहाइड्रेट्स, ज्यादातर हर एक कार्बोहाइड्रेट नहीं, जैसे स्टार्च है वो मीठा नहीं होता है, स्टार्च को आप कोई बच्चा कहे नहीं मीठा तो होता है, मैं खाता हूं पोटैटो को, आप स्टार्च को जब मुंह में चबाते रहे तो वो हाइड्रोलिसिस हो जाती है, स्टार्च टूट के क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है, और ग्लूकोज क्या होता है, मीठा होता है। ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट स्वीट इन टेस्ट होते हैं, तो जो कार्बोहाइड्रेट स्वीट टेस्ट के होते हैं उन्हें शुगर बोलते हैं, ठीक है, तो ज्यादातर की बात मैं कर रही हूं, जैसे कि एग्जाम्पल है सुक्रोज एंड लैक्टोज। लैक्टोज जो है वो मिल्क में प्रेजेंट होता है, इसके अलावा बहुत सारे और कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो मीठे नहीं होते हैं, लेकिन जब आप उनको ज्यादा चबाएं, मतलब अपनी रोटी को ही ले लो, रोटी को अगर आप चबाते रहें अंदर ना निकालें तो वो मीठी लगने लग जाएगी एंड में, हल्की हल्की, क्योंकि वो ग्लूकोज होता है उसमें,
वो ग्लूकोज में टूट जाती है। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो स्वीट होते हैं, ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट को शुगर के नाम से ही जाना जाता है, ज्यादातर को। हम नॉर्मली जर्नली बात कर देते हैं, अच्छा ये तो शुगर है। अब शुगर वही कार्बोहाइड्रेट्स की बात हो रही है। इसका एग्जांपल है सुक्रोज, और मिल्क जो है वो लैक्टोज में मिल्क में जो शुगर प्रेजेंट होती है वो होती है लैक्टोज। कई लोगों को लैक्टोज जो होता है उससे एलर्जी होती है, लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, तो उनको दूध नहीं पीना होता है। तो अब दूध नहीं पीना होता तो प्रोटीन कहां से मिलेगा? तो उनको कहा जाता है जो सोया मिल्क होता है, मतलब जो सोयाबीन को अगर आप डुबो के रखें अच्छे से, उसके बाद उसका दूध निकालें लिक्विड, वो जो है बाजार में आजकल तो वैसे ही मिल जाता है पैक में, तो उनको वो पीना चाहिए, नहीं तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। तो ये लैक्टोज, अब देखो आप कहोगे अभी तो आपने बोला सुक्रोज लैक्टोज और ये माल्टोज वगैरह कोर्स में नहीं है, नहीं है कोर्स में, लेकिन ये कहाँ पे मेंशन है? जो आगे वाला पोर्शन है, तो वहां पे अगर पेपर में पूछ लिया जाएगा मिल्क में कौन सी शुगर है, आप कहें लैक्टोज है, लेकिन लैक्टोज तो कोर्स में ही नहीं था, नहीं आगे तो है ना, जो क्लासिफिकेशन करेंगे हम उसमें तो वहां मेंशन है ना, तो वहां आएगा जो जो उसमें मेंशन है वो आएगा, चाहे पीछे स्ट्रक्चर नहीं आएगा जो पीछे ज्यादा उसके बारे में लिखा है। तो ये मिसकंसेप्शन को थोड़ा सा वो रखिए कि भाई ऐसा नहीं है कि ये चीज नहीं आएगी, जो आगे है इसीलिए बोले एनसीईआरटी में जो चीज वहां दे रखी है वो आ सकती है। तो बेटा ये तो था ग्लूकोज के बारे में, इसमें कमी चीजें आती है, हाँ मिल्क में आ सकती है। उसके बाद ये कह रहे हैं, ये मैं सारी चीजें एनसीईआरटी की मेंशन करी हैं और मैंने उसी ऑर्डर में फॉलो किया। अब ये कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स भी बोलते हैं। सैकराइड्स ग्रीक वर्ड से आया है सैक्रॉन, जिसका मतलब होता है शुगर। तो नॉर्मली आम भाषा में तो बंदा बोलेगा ना शुगर ही बोलेगा कार्बोहाइड्रेट को, आप उसको समझाएंगे तो यही समझाएंगे, आप वो बोलेगा ये क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, आप कहेंगे शुगर होता है, बस आप इतना ही कहेंगे। तो इसको जो है सैक्रॉन या सैक्रॉन से आया शुगर, सैकराइड्स भी बोलते हैं। तो पेपर में कहीं मान लो मेंशन होता है सैकराइड की मतलब क्या कहते हैं जो है, मान लो ऐसा आ जाता है कि सैकराइड की डेफिनेशन लिखो, आप सोचे पता नहीं क्या है ये, तो वो कार्बोहाइड्रेट है। या मान लो उन्होंने ऊपर डेफिनेशन लिखी है और नीचे बोल दिया ये कौन सा कंपाउंड है, सैकराइड है ये, मान लो ये कह दें कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये एल्डिहाइड है, ये है, तो वो सैकराइड है अगर कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन है। अब आती है बेटा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन दो तरीके से करेंगे। पहला तरीका है बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब जब आप उसका पानी के साथ रिएक्शन करते हैं। देखिए हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, मान लीजिए एक कंपाउंड है ए और बी, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एक जगह पे एच आ जाएगा और एक जगह पे क्या आ जाएगा, ओ एच आ जाएगा। एडिशन ऑफ वाटर भी बोल देते हैं एक तरह से। एक ये जब बॉन्ड है ना बीच का, मतलब ये मान लो दो कंपाउंड जुड़े हुए हैं आपस में, तो बेटा क्या होता है ये बॉन्ड यहां से टूट जाता है, इधर एक तरफ एच आ जाता है और एक तरफ क्या आ जाता है, ओ एच आ जाता है, यहां होता है हाइड्रोलिसिस में। अब मान लो अकेला ए होता तो क्या इसकी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल होती? नहीं होती, क्योंकि भाई ये अकेला है, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे तीन तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड, ठीक है। ये तीन तरह के हमें जो है सैकेराइड्स के बारे में पढ़ना है। तो मोनोसैकेराइड के तो पहले तो मैंने एग्जाम्पल ही लिखे हुए हैं, ये एनसीईआरटी से ही लिखे हैं। ये बार बार मैं ये बात इसलिए वो कर रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं, जो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी, देखो फिजिक्स वाली जो एनसीईआरटी है ना उसमें वो इतनी बढ़िया नहीं है, लेकिन जो केमिस्ट्री वाली एनसीईआरटी है वो पूरी ढंग से बनी हुई है, तो वो ज्यादा बेटर है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ आप एनसीईआरटी से करें, और बाकी जो क्वेश्चंस करने के लिए जो होते हैं ना, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको भेजे थे दूसरी बुक के, तो वो इम्पोर्टेंट, वो ठीक होते हैं। और अच्छा मैंने एक चीज और देखी, एक चीज जो है वो एग्जाम, जो मैंने पहले आपको एग्जाम आइडिया बुक थी कि कौन सी थी वो, उसमें थोड़ी वो गलत थी, वो प्रदीप में सही दे रखी है, तो इसलिए जो प्रदीप बुक है ना, हाँ मॉडर्न एबीसी थी, हाँ उसमें एक चीज थी वो गलत थी वहां पे, लेकिन जो प्रदीप है उसमें मैंने देखा है उसमें ज्यादातर सही चीजें लिखी हुई हैं। चलिए अब आता है ग्लूकोज फ्रक्टोज एंड राइबोज, ये तीनों मोनोसैकेराइड हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं ना। अब लगभग नेचर में, मैं नेचर की बात कर रही हूं, आप मैनमेड तरीके से जितने मर्जी मोनोसैकेराइड बना लीजिए लैब में, लेकिन नेचर में लगभग, लगभग कह रही हूं, मतलब ये मैं ये नहीं कह रही हूं एग्जैक्ट इतने ही मिलते हैं, लगभग 20 मोनोसैकेराइड्स नेचर में मिलते हैं, और यही 20 मोनोसैकेराइड मिलकर
ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं, तो 20 मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं नेचर में। अब बारी आती है भाई मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं। मोनोसैकेराइड्स उन कार्बोहाइड्रेट्स को बोला जाता है जिनकी फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं की जाती है। लेकिन हाइड्रोलिसिस होने के बाद कंडीशन ये है कि आपको फिर से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन मिलना चाहिए, मतलब क्या मिलना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट ही मिलना चाहिए, छोटा वाला सिंपलर। लेकिन ये खुद ही सिंपल होते हैं तो उससे ज्यादा सिंपल क्या मिलेगा। मान लो मैं आपको कहती हूँ, आप एक माला देती हूँ, मैं कहती हूँ इस माला को तोड़ दो, मतलब इसके, तो आप क्या करोगे, उस माला के मोती अलग अलग हो जाएंगे। अब मैं ये कहूंगी कि इस मोती को भी मोतियों में तोड़ दो, तो एक वो सिंपल यूनिट हो गई। अब मोती का तो चूरा ही हो सकता है, उससे ज्यादा तो उससे आपको मोती तो मिलेगा नहीं। क्या मिलेगा मोती, जो आपका पर्ल है वो मिलेगा, वो तो पर्ल तो टूट जाएगा, वो तो ब्रेक हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप वो माला के जो बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड का क्या है माला के अंदर, वो धागा, अगर वो आप धागा के, धागे को तोड़ते रहेंगे तो वो मोती बनते रहेंगे। लेकिन अगर आप मोती को तोड़ेंगे तो मोती तो सिंपलेस्ट यूनिट है उस माला की, तो वो आगे टूट नहीं सकती है। ठीक है, पूरी माला मोती नहीं मिलेगा, मोती को तोड़ेंगे आप कहेंगे उससे बिल्कुल छोटा सा मोती मिल जाए, नहीं, बाकी जो है वो नहीं मिलेगा। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनकी हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती है उसको मोनोसैकेराइड बोलते हैं। और ये एग्जांपल आ गए, मान लो एग्जाम में आ जाता है ग्लूकोज की हाइड्रोलिसिस के बाद क्या मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है और असर्शन आ जाती है ग्लूकोज की, ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलिसिस या ग्लूकोज इज मोनोसैकेराइड, मान लो ये असर्शन आ गई, रीजन आ गया इट डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। तो अब देखिए जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी है कि ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, क्यों है मोनोसैकेराइड, नीचे तो रीजन दे रखा है ना, इट डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। मान लो नीचे लिखा होता इट ग्लूकोज इज मोनोसैकेराइड इट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, तो इसका मतलब नीचे वाला पॉइंट गलत है, वो रीजन ही, स्टेटमेंट ही गलत है, ऊपर वाली स्टेटमेंट सही है ना। तो इस तरह से आ सकती है असर्शन रीजनिंग। देन बेटा नेक्स्ट आते हैं ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में तीन एग्जांपल है, लैक्टोज, सुक्रोज एंड माल्टोज। अब ये पीछे दे रखे हैं जो कटा हुआ पोर्शन है, लेकिन ये जो मैं यहां बता रही हूं ना, ये आएगा ही आएगा, ये आ सकता है। आप ये मत कहे पीछे कट गया है वो, तो नहीं, ये जो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट है ये आएगा ही। मान लो मैं कह दे, अभी मैं आपको समझा देती हूँ, कार्बोहाइड्रेट, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो हाइड्रोलिसिस करने के बाद, मान लो दो मोनोसैकेराइड जुड़े हों, अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे कितना प्रोडक्ट मिलेंगे, दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक ए और एक बी। अब मान लो तीन, एक तीन जुड़े हुए हैं आपस में, तीन ए बी और ए, तो जब आप इसको तोड़ेंगे तो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, ए बी, एक मॉलिक्यूल ए का मिलेगा, एक बी का मिलेगा, एक सी का मिलेगा। तो ऐसी लंबी चेन हो सकती है ए ए ए। आप देखो जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे कितने, जैसे आप बीड, मान लो आपके पास माला है पांच मोतियों की माला है, तो जब आप उस माला के बॉन्ड तोड़ेंगे तो कितने मोती मिलेंगे, एक दो तीन चार और ये पांच। तो ये कह रहे हैं ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो दो से लेकर दस मोनोसैकेराइड देते हो हाइड्रोलिसिस पे, उनको ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं। ये पॉइंट समझ में आया कि कैसे कार्बोहाइड्रेट जो दो या दस मोनोसैकेराइड देते हो। अब आपको पता लगे दो कब देंगे, जब दो आपस में जुड़े हुए। तीन कब देंगे, जब तीन मोनोसैकेराइड आपस में जुड़े हुए हैं। तीनों बराबर भी हो सकते हैं, तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने तीनों को बराबर लिख दिया, ये अलग अलग भी हो सकते थे। और मान लो ए ये आ जाता बाद में, फिर आ जाता मान लो सी, तो इसमें कितने मिलते, चार मिलते। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो दो या दस मोनोसैकेराइड्स देते हैं हाइड्रोलिसिस पे, उनको बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। इसके एग्जांपल है सुक्रोज। सुक्रोज की जब आप हाइड्रोलिसिस करो तो आपको क्या मिलता है, वन मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज गिव वन ग्लूकोज प्लस वन फ्रक्टोज। इसका स्ट्रक्चर नहीं हमें करना, वो पीछे है, अभी आपको बाद में कुछ पॉइंट है वो बताऊंगी। ऐसे ही माल्टोज, माल्टोज में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मिलेगा, दो मॉलिक्यूल मिलेंगे ग्लूकोज के, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो अगर पेपर में आ जाता है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, वन सुक्रोज मॉलिक्यूल गेव वन ग्लूकोज एंड वन फ्रक्टोज, या ये यही लिख दो, ऐसे ही लिख दो इक्वेशन।
मैं कह दूं माल्टोस से क्या मिलेगा, वन मॉलिक्यूल ऑफ माल्टोस गिव्स टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज. टू मॉलिक्यूल्स लिखना जरूरी है कि एक से दो मिलेंगे, सिर्फ ग्लूकोज लिख देंगे वो काम नहीं चलेगा. लैक्टोस, लैक्टोस की हाइड्रोलिसिस करने पे हमें ग्लूकोज मिलता है प्लस गैलेक्टोज मिलता है. एक लैक्टोस मॉलिक्यूल एक ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलके बना होता है, तो ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं. ठीक है जी मैम. यस मैम. और अब देखिए ये जो ऑर्गेनिक के चैप्टर है ना, इसमें बड़ी सिंपल सी चीज है, इसमें न्यूमेरिकल नहीं है. न्यूमेरिकल नहीं है तो आपको अपना सारा दिमाग जो है ना रीजन याद करने में लगाएंगे और लिखेंगे. अब जैसे मान लो मैंने नोट्स भेज दिए तो आप कोशिश करें, ये तो चलो रटने वाला है इसको आप याद कर लीजिए साथ साथ में, और जो कोई चीज अगर आपको लगती है कोई चीज मुझे इंपॉर्टेंट लगती है तो आप इसको पढ़ने के बाद वो चीजें उतार दे कॉपी में. ये पूरा उतारने की जरूरत नहीं है, जो आपको याद आता है कि आपने इसको याद कर लिया तो जो चीजें याद आ रही हैं वो उतार दो. हाँ कोई चीज आपको स्किप हो जाती है तो आप पीछे देख के डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है. यही जो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट है, क्योंकि चैप्टर कॉपी में थोड़ा बहुत इस हिसाब से करिए कि आपने जो याद किया उसी को करिए, फालतू ये नहीं कि टेप के लिखना है, नहीं वो नहीं लिखना. अब आता है पॉलीसेक्राइड. पॉलीसेक्राइड के एग्जाम्पल है स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, गम्स. ये गम्स जो है इसका स्ट्रक्चर नहीं करना हमने, लेकिन ये एनसीईआरटी में मेंशन है, क्योंकि मान लो पेपर में आ जाता है गम्स को किस कैटेगरी में रखेंगे, मोनो में, ओलिगो में या पॉलीसेक्राइड में. आप ये सोचे गम तो कुछ कराया नहीं है, तो गम पॉलीसेक्राइड है. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर नहीं करना, कौन से मॉलिक्यूल से जुड़ के बना होता है, कौन से मोनोसेक्राइड से, वो नहीं करना. अब बेटा बारी आती है कार्बोहाइड्रेट्स की. कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ऐसे पॉलीसेक्राइड्स जो लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड देते हो, मतलब ग्रेटर देन 10, क्योंकि 2 से 10 तक देंगे तो वो ओलिगोसेक्राइड है, तो इसका मतलब ये पॉलीमर्स हैं एक तरह से. इसके एग्जांपल आता है स्टार्च. स्टार्च और सेलुलोस, इवन ग्लाइकोजन, यहां पे अगर मैं ग्लाइकोजन भी लिख दूं वो भी चलेगा. स्टार्च और ग्लाइकोजन हाइड्रोलिसिस, ये तीनों ही स्टार्च, सेलुलोस और ग्लाइकोजन, या ग्लाइकोजन भी कर देंगे आप, ये हाइड्रोलिसिस के बाद एन नंबर ऑफ ग्लूकोज देते हैं. एन का मतलब है भाई बहुत सारे मॉलिक्यूल्स देते हैं ग्लूकोज के. अब आप कहेंगे इन दोनों में फर्क क्या है, फिर दोनों ही ग्लूकोज देते हैं, आप इतना आंसर लिख दीजिए बहुत है. लेकिन अगर आप उसको, क्योंकि स्ट्रक्चर हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूं कि जो स्टार्च होता है उसमें अल्फा ग्लूकोज प्रेजेंट होता है. अब आप कहेंगे अल्फा ग्लूकोज क्या होता है, ये मैं बाद में बताऊंगी जब ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर करेंगे. और सेलुलोज में भी ग्लूकोज होता है, उसमें होता है बीटा ग्लूकोज. हमारी बॉडी में अल्फा ग्लूकोज को तोड़ने के लिए एंजाइम है, स्टार्च का एंजाइम. लेकिन जो सेलुलोज होता है, जो हम आप मान लीजिए फ्रूट में वो जो निकलता है ना रफेज निकलता है, वो सारा सेलुलोज है एक तरह का, वो हमारी बॉडी में पच नहीं पाता, वो वैसे का वैसा बॉडी से जो है एक्सक्रीट हो जाता है, स्टूल के थ्रू आपकी बॉडी से जो है सॉलिड वेस्ट के थ्रू निकल जाता है. लेकिन आपकी बॉडी में ये बीटा ग्लूकोज के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो तोड़ने का जो है वो क्या कहते हैं एंजाइम नहीं है. खुद सोचो कि एंजाइम कितने ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं अपने काम में, मतलब आप उनको कोई काम दे वो अपना काम पूरे तरीके से, वो कहते हैं ना पूरी शिद्दत से करेंगे. लेकिन अगर आप उनको कोई दूसरा काम दे देंगे ना, उनका काम अगर मान लो बिस्तर झाड़ना है तो वो बिस्तर अच्छे से झाड़ेंगे, एक डस्ट भी नहीं रहेगी. अगर आप कहेंगे कि बिस्तर से ये जो नीचे सामान गिर गया इसको उठा के डस्टबिन में फेंक दो, वो काम नहीं करेंगे, वो अपना काम करेंगे, हम परफेक्टली करेंगे. तो एंजाइम क्या होते हैं, दे आर हाईली स्पेसिफिक और अपना काम बड़े अच्छे से करते हैं वो. तो लेकिन देखिए ये ग्लूकोज ये सेम वो काम नहीं करेंगे. तो हमारी बॉडी में बीटा ऐसे. अच्छा ग्लाइकोजन में क्या फर्क होता है, ग्लाइकोजन में यही होता है जो स्टार्च में होता है, अल्फा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं. पर क्या होता है स्टार्च और ग्लाइकोजन में ये फर्क होता है, स्टार्च जो होता है वो प्लांट अपने पास रखते हैं. हमारी बॉडी में जो फालतू कार्बोहाइड्रेट होता है ना ग्लूकोज होता है, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर रहता है. और जो ग्लाइकोजन होता है उसमें ब्रांचिंग जो होती है वो ज्यादा होती है स्टार्च में. स्टार्च जो है ना पानी में घोलेंगे कुछ हिस्सा घुल जाता है कुछ हिस्सा नहीं घुलता, जो घुल जाता है वो लीनियर चेन में जुड़े होते हैं ग्लूकोज ग्लूकोज, और दूसरे में ब्रांचिंग. इसका स्ट्रक्चर वैसे बता दूंगी एंड में, अभी आप सिर्फ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट याद रखें, यहाँ पे स्टार्च के साथ ग्लाइकोजन भी लिख लेना.
अब बेटा बारी आती है कि जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, पॉलीसेक्राइड ये मीठे नहीं होते हैं टेस्ट में, मीठे नहीं होते हैं ये, इसीलिए इनको नॉन शुगर कहा जाता है। बाकी सारे मीठे होते हैं, ओलिगो भी और पॉली भी, स्टार्च मीठा नहीं होता। लेकिन अगर स्टार्च को चबाते जाए मुंह में तो बॉन्ड टूट जाते हैं ग्लूकोज ग्लूकोज के बीच में और ग्लूकोज बन जाता है, तो उसकी वजह से वो मीठा लग सकता है। अदरवाइज ये मीठे नहीं होते। हाँ बेटा बोलो। मैम अगर मैं हमारी बॉडी में बेटा आवाज नहीं आ रही, बेटा आवाज नहीं आ रही है, चैट में लिखो या दोबारा बोलो। हेलो मैम। हाँ आ रही है मैम आवाज। हाँ बोलो बोलो मैम। जैसे मैम सेलुलोज में जो बीटा ग्लूकोज है इसको पचाने के लिए मैम कोई हमारे पास वो नहीं है। नहीं बीटा ग्लूकोज को पचाने के लिए नहीं, बीटा ग्लूकोज तो पच जाएगा अगर बीटा ग्लूकोज खाएंगे। मैं ये कह रही हूँ ग्लूकोज ग्लूकोज